मध्य प्रदेश पटवारी संघ का कहना है कि उनकी एक सूत्रीय मांग 2800 रुपए पे ग्रेड को अगर सरकार सहमति नहीं देती है तो मध्य प्रदेश में पटवारी सीमांकन का काम नहीं करेंगे। गुरुवार को अपने प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत छिंदवाड़ा में भी मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में मध्य प्रदेश पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार सूर्यवंशी ने साफ कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार पटवारियों से राजस्व निरीक्षक का कार्य कराती है और जब ये कार्य करा रही है तो पे ग्रेड भी उसी स्तर का दिया जाए, लेकिन बार बार कहने पर भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। ऐसे में जरूरत पड़ेगी तो वे हड़ताल भी करेंगे, लेकिन फिलहाल कार्य करते हुए ही वह अपनी बात से मुख्यमंत्री को अवगत करा रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि जब तक 2800 रुपए पे ग्रेड नहीं मिलता तब तक पटवारियों द्वारा भूमि सीमांकन नहीं होगा। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर हमारी बहुत पुरानी मांग है, 2014 से आज तक हम लोग संघर्षरत है, लेकिन सरकार उस पर सुनवाई नहीं कर रही है और हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है। इस बार हमने एक ही मांग रखी है, पे ग्रेड 2800 चाहिए, और सरकार ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत पटवारियों को अधिकार दे दिए करके वाई वाई लूट रही है। उसमें हम लोगों को राजस्व निरीक्षक का कार्य करना है और तनख्वाह पटवारी की लेना है, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा पे ग्रेड सुधार किया जाए, 2800 पे ग्रेड दिया जाए। तब तक हम सीमांकन नहीं करेंगे, तब तक हमको 2800 पे ग्रेड नहीं दिया जाता और हमारी पुरानी मांग को स्वीकार नहीं की जाती और उसके आदेश प्रसारित नहीं किए। हड़ताल अभी नहीं है, अभी तो ये अल्टीमेटम है, सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो हड़ताल भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। आने वाले समय में निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में इस बात के लिए हड़ताल भी होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं हड़ताली कर्मचारियों से बात नहीं करता, तो हम मुख्यमंत्री जी को बिना हड़ताल के काम करते हुए जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो जाग जाएं समय रहते तो निश्चित रूप से जनता की सेवा हम करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, और नहीं जागे, हमारी मांग पूरी नहीं की तो निश्चित रूप से हड़ताल करेंगे। सुरेश कुमार सूर्यवंशी, जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।